अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानुम। व्यूवर्स, वाटिका नेचुरल्स फ्रॉम डाबर इंटरनेशनल की डिफरेंट हेयर केयर प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल्स, हेयर शैम्पूज़ और इनरिच्ड हेयर ऑयल्स अच्छी पैकेजिंग और इजी अवेलेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से मकबूल हुए हैं। पाकिस्तान से आपको इम्पोर्टेड और लोकल दोनों ही आसानी से मिल जाते हैं। हेयर ऑयल्स और शैम्पूज़ के अलावा हेयर क्रीम्स में भी इनकी वसी रेंज मौजूद है, जैसे कि नॉरिश एंड प्रोटेक्ट, डैंड्रफ गार्ड, मॉइस्चर ट्रीटमेंट, हेयर फॉल एंड रिपेयर एंड रिस्टोर। मीन हर हेयर प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए आपको डीप कंडीशनर के साथ हेयर ऑयल, शैम्पू और बाद में हेयर स्टाइलिंग जेल भी मिल जाती है। लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए कितना इफेक्टिव है, हेयर फॉल को रोकता है कि नहीं, कीमत क्या है, ये सब कुछ मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाटिका हर्बल्स मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, जिसका सबूत मेरी इस DIY हेयर ऑयल की वीडियो में आपको मिलेगा कि जब अपने लिए हेयर ऑयल बनाते वक्त मैंने वाटिका का भी हेयर ऑयल इसमें शामिल किया था। और आज भी इसी तरह मेरे पास सबसे फर्स्ट नंबर पर है आलमंड इनरिच्ड हेयर ऑयल, जो आपके बालों को सॉफ्टनेस और शाइन देने का क्लेम करता है। वाटिका नेचुरल्स अपने प्रोडक्ट में हर्बल एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 100% नेचुरल ना भी हों तो काफ़ी दूसरे मेडिकेटेड शैम्पू से बेहतर हैं। ये 300 ml की पैकेजिंग आपको पाकिस्तान से 450 rupees में मिलेगी। बैक साइड पर प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स बताई हैं कि इसमें कोकोनट ऑयल और सीसम के साथ आलमंड एक्सट्रैक्ट ऐड किए गए हैं, जो कि बालों की हर तरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं और उनको साथ ही नॉरिश करता है। ये ऑयल उनको सिल्की और शाइनी करता है। इस्तेमाल का तरीका भी बताया है कि आपने अपनी फिंगर टिप्स के साथ सर की जड़ों और बालों के एंड्स तक आपने जेंटली मसाज करना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप रात सोने से पहले अप्लाई कर लें और सुबह सर वॉश कर लें। इंग्रेडिएंट्स को देखें तो सेम दूसरे पैराशूट हेयर ऑयल्स की तरह ही हैं और क्लियर प्रिंट भी किए गए हैं। वाटिका की तमाम हेयर ऑयल्स की रेंज में मुझे ये ऑयल अच्छा लगता है। बॉटल शेप और कलर वाइज भी बहुत प्यारी है, लेकिन कवर के अंदर कोई भी और सेफ्टी कवर ऐड नहीं किया गया, यानी कि ऑयल गिरने का खतरा रहता है, जो कि पैराशूट के ऑयल्स के अंदर मस्ट ऐड हुआ हुआ होता है। टेक्सचर भी नॉर्मल ऑयल्स वाला है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा है। स्मेल भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, जैसे कि बजाज आलमंड ड्रॉप्स की तेज़ होती है कि सर में दर्द होना शुरू हो जाए, अच्छी है। लेकिन मैं हेयर ऑयल किस तरह बनाती और इस्तेमाल करती हूँ, इसके लिए मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लें। अब अगर आपको जल्दी हेयर ग्रोथ चाहिए तो वाटिका नेचुरल्स का ही हेयर ऑयल गार्लिक इनरिच्ड इसके लिए बेस्ट है, जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि गार्लिक सदियों से ही अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसमें मिनरल और विटामिंस इतने ज़्यादा होते हैं कि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत तेज़ करता है। इसलिए स्कैल्प पर अप्लाई करने से स्कैल्प को नॉरिश भी करता है, जिससे बाल गिरना बंद होते हैं और बाल मजबूत होते हैं और उनमें शाइन आती है। इस ऑयल को भी आप अकेले बालों में अप्लाई ना करें, बल्कि दूसरे ऑयल्स के साथ मिक्स करके अपने हेयर में अप्लाई करें। अब दोनों बॉटल्स ही ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन अंदर ऑयल्स का कलर जो है वो डिफरेंट है। आपको ये 200 ml की बॉटल 300 rupees में मिलेगी और टेक्सचर इसका बिल्कुल वाटरी है। स्मेल भी नॉर्मल है, ना ज़्यादा तेज़ है और ना ही बिल्कुल गार्लिक जैसी है, बल्कि ऐसी है जैसे कि कोकोनट ऑयल में लाइट सा गार्लिक का टच दिया हुआ हो। अब शैम्पूज़ में भी वाटिका नेचुरल्स की वसी रेंज है, लेकिन अगर बाल बहुत रुके हुए हैं, कलर या किसी हेयर ट्रीटमेंट से डैमेज हो गए हों, तो रिपेयर एंड रिस्टोर विद हनी एंड एग इनको दोबारा रिपेयर, रिविटलाइज और स्प्लिट एंड्स को स्मूथ करने की धारस बंधाता है। लेकिन ये बात मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ कि फेस वॉशेज या शैम्पू, चाहे जो मर्ज़ी क्लेम करें, सिर्फ चेहरा और बाल धोने का काम ही करते हैं। बाकी तो बस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाकर प्रमोशंस के तरीके होते हैं। एक दफ़ा बाल डैमेज हो जाएं या दो मुँह बाल बहुत ज़्यादा हैं, तो जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इसके ऊपर बताए हैं शैम्पू के ऊपर, हनी और एग, उसमें आप एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल मिलाकर बालों में 1 घंटे के लिए अप्लाई करके रखें और फिर इस शैम्पू से अगर आप वॉश करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके बाल जो हैं रिपेयर हो जाएँ। ये बॉटल आपको 400 ml की 360 rupees में मिलेगी। 100% बाल रिपेयर हो जाएंगे सिर्फ इस रेमेडी के साथ। अब बैक साइड पर उन्होंने अंडे और शहद के बालों पर फ़वाद भी बताए हैं। हेयर वॉश करने के लिए आपने गीले बालों पर इसको अप्लाई करके जेंटली मसाज करना है और सर को वॉश करना है। बॉटल का कैप होल अच्छा है और शैम्पू बिल्कुल वाइट कलर का है। इसकी स्मेल भी अच्छी है और टेक्स्चर नॉर्मल शैम्पू वाला ही है।
अब अगर वाटिका की हेयर स्टाइलिंग क्रीम्स की बात करें तो मेरे पास डैंड्रफ गार्ड है जो कि विद लेमन टी ट्री और आलमंड के साथ है। सेम मैं आपसे यही बात यहाँ कहूँगी कि अगर सर में डैंड्रफ है और ये क्रीम नहीं खरीद सकते तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके बालों में लगा लें, इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेमन एक एस्ट्रिंजेंट की तरह सर की जिल पर वर्क करता है, मतलब कि अगर सर पर ऑयल ज़्यादा बन रहा है और आपके स्कैल्प के पोर्स ओपन हुए हुए हैं जिनकी वजह से कि डैंड्रफ पैदा हो रही है, तो लेमन आपके सर पर मौजूद उन पोर्स को श्रिंक करता है, साथ ही सर पर मौजूद ऑयल और फंगस को भी क्लियर करता है। इसमें मौजूद जो टी ट्री है वो आपकी बैक्टीरिया को ख़त्म करता है जिनकी वजह से सर पर डैंड्रफ होती है। अब डैंड्रफ और सर की खुश्की में क्या फ़र्क होता है इसको समझ के हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आप मेरी ये वीडियोस भी ज़रूर देखें। इस क्रीम को आप हेयर स्टाइलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रीम के नीचे तमाम इन्ग्रीडियंट्स बताए गए हैं, आपको आसानी से ये पाकिस्तान से 200 रुपीज़ तक मिल जाएगी। क्रीम अब लाइट येलो कलर की है और थोड़ी सी थिक और इसका सॉफ्ट टेक्सचर है, टच करते ही फिंगर्स पर लग जाती है और इसकी स्मेल भी बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग है, जैसे कि मोस्टली शैम्पू करने के बाद बालों से आती है। बाल स्ट्रेट या कर्ल करने से पहले अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये बालों को प्रोटेक्ट करने के साथ हेयर स्टाइल्स को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। और आज वाटिका की जिन प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैंने आपको दिया है वो तमाम मैंने खुद भी इस्तेमाल की हैं, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि अच्छे बाल और फास्ट हेयर ग्रोथ आपको सिर्फ अच्छी डाइट के साथ, अच्छे हेयर सप्लीमेंट्स और अच्छी नींद से ही मिलेंगे। साथ टेंशन भी अगर ज़्यादा लें तो हेयर फॉल शुरू हो जाती है, जो कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के दिनों में काफ़ी ले लेते हैं, और मैं अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स के दिनों में खुद ले लेती हूँ, क्या करूँ वो जो नहीं लेते टेंशन। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी इस एंटीसेप्टिक क्रीम के बारे में जो ख़ास तौर पर फटी हुई एड़ियों को हील करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और साथ ही मैं आपसे कुछ रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी पाँव को खूबसूरत और फेयर करने के लिए, तो बेल आइकन को भी याद से हिट कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।